हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक आलू से बनने वाली सब्जी की रेसिपी, जिसको बहुत हम आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कच्चा आलू लिया है, इसको मैंने पील कर लिया था और 2-3 बार वॉश कर लिया है। और मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको भी हम रफली काट लेंगे। हमें इसका पेस्ट बनाना है, इसलिए आप इसको रफली ही काट लीजिए। ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो आप भी एक बार इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे टमाटर कट चुके हैं, अब हम इसको एक ब्लेंड मिक्सर जार में डाल देंगे और हमें इसका एक पेस्ट बना के तैयार करना है। अब हम इसमें 10-12 काजू और 1.5 चम्मच पीनट मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो पीनट डाल सकते हैं अकेला, चाहें तो आप काजू अकेला डाल सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट बन चुका है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने बाउल में निकाल लिया है, अब जार में ऐसे भी निकाल लीजिए। अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो हम कोई बात नहीं, उसमें बाकी का प्रोसेस करेंगे तो उसमें यूज़ कर लेंगे। देखिए हमारा टमाटर का पेस्ट बन चुका है, अब हम इसमें एक आलू को चॉप करके डाल देंगे। इसका भी हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसमें 3 मैंने हरी मिर्च ली है और 1/4 कप दही लिया है। और इन दोनों दोनों चीज़ों का एक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। एक फाइन पेस्ट बनाना है हमको। देखिए हमारा पेस्ट बन चुका है, अब हम इसमें 3/4 कप बेसन ऐड कर देंगे और इसको भी एक बार मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बाउल में निकाल के उसमें भी ऐड कर सकते हैं, पर ऐसा करने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और बहुत जल्दी आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है और अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो जाता है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए हमारा पेस्ट बन चुका है, कितना थे बढ़िया पेस्ट बन चुका है। हमें इस तरीके का पेस्ट चाहिए था, इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपका बैटर पतला रह जाए आप तो थोड़ा बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें इसी टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब इसमें 2 चम्मच प्याज डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और हरा धनिया डाल देंगे और 1 चम्मच तेल डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब हम इसको साइड में रख देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, इसको गर्म होने देंगे। 1 चम्मच जीरा लिया है और थोड़ी सी हींग ली है, और इन दोनों को अच्छे से हल्का सा रोस्ट हो जाने देंगे। हाँ, जीरा भुन चुका है, अब हम इसमें 2 प्याज डाल देंगे। ये वही प्याज है जो मैंने अभी 2 चम्मच यूज़ इसी में से किया था। मैंने दो मैं बाकी का बचा हुआ प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको हल्का सा रोस्ट होने देंगे। जब तक ये गुलाबी कलर का या ट्रांसपेरेंट तक नहीं हो जाता, तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए वरना आप छोड़ भी सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए हमारा प्याज और अदरक दोनों भुन चुका है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा हम प्याज को नहीं भूनेंगे, हम टमाटर को पेस्ट को ऐड कर देंगे इसमें, और इसको भी 1-2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर देंगे, भुन जाने देंगे। देखिए हमारा टमाटर प्याज का पेस्ट मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और इन सब कुछ चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। इसको कवर कर देंगे और 1-2 मिनट तक अच्छे से भुनने देंगे। इस सब्जी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, अब इसमें 2 चम्मच और पानी डाल देंगे, जिससे हमारा मसाला और अच्छे से भुन जाए, कच्चापन नहीं रहे हमारे मसाले में। देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। ये मैंने वही टमाटर वाली कटोरी से ही पानी लिया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला, इसको ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को।
अगर इसमें उसमें दो दो चम्मच चम्मच फ्रेश दूध की क्रीम फ्रेश यूज़ करेंगे, मलाई जो एक मिक्स दिन कर पहले लेंगे, की फ्रेश इसको मैंने पहले से पहले फ्राई वाली किया यूज़ था की है मतलब मैंने। तब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, फेंट के ही आप यूज़ करें इसको, उससे कि इससे हमारी हमारी सब्जी सब्जी में में टेक्सचर बहुत टेक्सचर अच्छा बहुत अच्छा आएगा, आएगा। एकदम इसमें गर्म अगर दूध घी की मैंने मलाई डाल यूज़ दिया नहीं आपने, करें, अब इसको 4-5 मिनट इसको अच्छे चार से पाँच पकने मिनट तक देंगे, अच्छे से देखिए पकने हमारी देंगे, ग्रेवी देखिए ने हमने छोड़ छोड़ दिया दिया है, है, तेल छोड़ दिया है, कितना मसाला अच्छी ग्रेवी हमारी निकल गई ग्रेवी हमारी, एकदम तैयार हो चुकी है, हमने मिक्स कर लिए। अब अब हम हम इसमें कसूरी कसूरी मेथी मेथी डाल डाल देंगे देंगे एक हाथ से चम्मच, क्रश करके, और इसे हाथ से क्रश इससे करके हमारी डालें, सब्जी में इससे फ्लेवर हमारी बहुत सब्जी अच्छा में आएगा। अच्छा टेक्सचर आएगा। और धनिया धनिया पाउडर, डाल हरा देंगे, धनिया डाल देंगे और इसको भी अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स और इन कर सब देंगे। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप भी सब्जी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसी लगे मुझे अब हम कमेंट बॉक्स में इसमें ज़रूर आधा कप बताइएगा। पानी डाल देंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से बन चुका है, अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स और कर सारी चीज़ों को देंगे। अच्छे से आप मिक्स सोच कर रहे होगे देंगे। एक मैंने बार धनिया, हरा धनिया पहले क्यों डाल दिया, ये आपको बाद इसमें में ज़्यादा पता चल पानी ऐड जाएगा मैंने नहीं क्यों करेंगे, डाला इतना ही पानी ऐड ये सब्जी। करेंगे। अब जो और जो बेसन का बेसन हमने आपने आलू का हमने बेसन का घोल घोल बनाया तैयार था किया था, उसको हम हम एक एक इसको बड़े इस पे चम्मच से फैला देंगे, इस पे डाल पूरे देंगे, में नहीं, पूरा पूरा नहीं एक डालेंगे, एक एक चम्मच चम्मच को को आप एक इस तरह तरफ इसको फैला देंगे, फैलाना है पोर्शन में डालेंगे थोड़ी दूरी दूरी पे, थोड़ा डिस्टेंस आपस पर, में जिससे वो चिपके नहीं, जिससे पकौड़े हमारी हल्का सा सब्जी में पतले देखने में पकौड़े बहुत टाइप का अच्छी फैला लगेगी, देंगे। और ये इतना अच्छा सब्जी सब्जी खाने में खाने बहुत में तो टेस्टी बहुत लगती है, टेस्टी आप लगते एक बार हैं। इसको जरूर जाइए ट्राई आप भी कीजिएगा। सब्जी को एक बार जरूर ये ट्राई हमने फैला कीजिएगा, दी ये भी है, हमने फैला अब दी हम है। इस पर अब हम थोड़ी इस सी पर थोड़ा प्रोसेस प्रोसेस चीज चीज़ डाल डाल देंगे, देंगे, और सेंटर में सेंटर डालिए में ही प्रोसेस डालना है, चीज, साइड में पूरे में पूरे पे नहीं नहीं फैलाना है, फैलाइए, सिर्फ सेंटर सेंटर में सेंटर डालना है, सेंटर में डालना है। इससे हमारी सब्जी में बहुत अच्छा टेक्सचर आ और इसमें जाएगा। थोड़ा सा हम चिली ये ऊपर फ्लेक्स से थोड़ा डाल चिली देंगे, फ्लेक्स डाल देंगे हम चीज़ जिससे के हमारी ऊपर, सब्जी का लुक और भी अच्छा आएगा जैसे और हमारी देखने सब्जी में बहुत देखने में सुंदर बहुत सुंदर लगेगी। लगेगी, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। देखिए अब हम अब इसमें हम साइड में इसमें हरी मिर्च हरी रख मिर्च देंगे रगड़ साइड देंगे, से, जिससे हमारी सब्जी देखने में और जिससे भी हमारी अच्छी सब्जी और भी लगेगी। अच्छी लगेगी देखने में, और खाने में भी ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती देखिए है। आप भी सब्जी को एक बार आप भी जरूर सब्जी को ट्राई एक बार जरूर कीजिएगा। अब बनाइएगा, इसको ढककर और 7-8 इसको मिनट कवर के लिए करके कुकने 7-8 देंगे, मिनट एकदम तक लो कुकने फ्लेम पर, देंगे, एकदम लो फ्लेम मीडियम तक में हाई पकाना फ्लेम है पर इसको। कुकना करें। देखिए देखिए हमारी हाई फ्लेम सब्जी पे बन नहीं चुकी है, पकाना है, तेल छोड़ देखिए दिया, हमारी इसको सब्जी बन साइड चुकी से है, चाहे चिपक साइड से लीजिए, डालिए चेक इसे कर लेंगे, चिपके बिना नहीं, चीज बीच पे में नहीं चेक नहीं डालना करना है, क्योंकि बिना बीच में चीज चीज डालना है चिपक हमने तो वो जाएगा। चिपक देखिए जाएगा। हमारी सब्जी चिपकी साइड चिपक से ही नहीं चेक रही है, करिए, मतलब ये हमारी परफेक्टली बन के तैयार है। सब्जी बन के मैं आपको तैयार इसको है, मैं निकाल के आपको इसको दिखाती निकाल हूँ के दिखाती किस हूँ। टाइप का इसका टेक्सचर है। देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं कढ़ाई चिपकी है में नहीं तली में, चुपकेगी, ये सब्जी ये तो खाने में चलो बहुत हम आज कल टेस्टी ही लगती इसको है। पकाएं। आप एक बार जरूर देखिए ट्राई कीजिए, कितनी अच्छी देखिए दिख हमारी रही है। कढ़ाई में से बिल्कुल नहीं चिपकी सब्जी, अब हमें साइड से इसको थोड़ी सी ग्रेवी डाल ये लेंगे, आसानी से निकल गई है। थोड़ी सी हम आप ग्रेवी भी भी साइड सब्जी को में एक बार डाल जरूर देंगे, बना के देखिए। आपको कैसी लगे मुझे आप भी बताइएगा, सब्जी को एक बार आपको जरूर मेरी ट्राई रेसिपी कैसी कीजिएगा, लगती है प्लीज़ और मुझे आपको कमेंट अच्छी बॉक्स में लगे ज़रूर तो बताइए। तो मुझे कमेंट में जरूर देखिए मैं आपको बताइए। मैं काट के इसको दिखाती आपको हूँ इसका काट के कैसा दिखाती टेक्सचर, हूँ, देखिए देखिए कितना कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है, टेक्सचर है, कितनी आसानी आसानी से से कट कट गई। गई। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स चैनल में को ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब और अच्छी कीजिए। लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक थैंक यू। यू।